हेलो दोस्तों, माय सेल्फ वीरेंद्र गुजर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने विमान शान के थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में अपन फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिविध रोग विशेष विज्ञानम विमानम। मतलब इसमें जो है त्रिविध रोग विज्ञान, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 3 में त्रिविधम रोग विज्ञान। तो रोग विशेष का ज्ञान जो है 3 प्रकार से होता है ना। तो यहाँ पे पूछा जाए कि रोग विशेष का ज्ञान कितने प्रकार से होता है, रोग विशेष के ज्ञान के उपाय बताओ, रोग विशेष विज्ञान के उपाय बताओ। तो अपने को क्या लिखना है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रोग विशेष विज्ञान या रोग विशेष का ज्ञान किस प्रकार से करते हैं, या रोग विशेष ज्ञान के उपाय बताओ। तो रोग विशेष ज्ञान के 3 उपाय हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब जो है आगे बता रखा है आप्तोपदेश। तो आप्तोपदेश में देखना कोटे कि आप्त के वचनों को क्या कहते हैं, आप्तोपदेश कहते हैं। या अपन ने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान इन सब की परिभाषा जो है अपन ने सूत्र स्थान में देख ली थी, तो परिभाषा तो वो याद रखनी है ना। तो यह कह रहा है आप्त के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्त पुरुष तर्क से रहित, निश्चित ज्ञान वाले, श्रवण शक्ति संपन्न, कार्य और अकार्य के विभाग को जानने वाले होते हैं। तो ये आप्तोपदेश के बारे में बता दिया गया है कि आप्तपुरुष क्या होते हैं, तर्क से रहित होते हैं है ना, निश्चित ज्ञान वाले होते हैं, श्रवण शक्ति संपन्न मतलब बहुत ज़्यादा श्रवण शक्ति होती है, और कार्य और अकार्य मतलब कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब कार्य अकार्य के विभाग को जानने वाले होते हैं है ना। तो ये इस प्रकार से आप्तोपदेश के बारे में बता दिया गया। फिर आगे देखना प्रत्यक्ष लक्षण, जो वस्तु स्वयं इंद्रियों और मन के द्वारा जानी जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। मतलब अपन प्रत्यक्ष देखते हैं है ना, तो इंद्रियों और मन के द्वारा मतलब स्वयं इंद्रियों और मन के द्वारा जानी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। फिर अगला अनुमान का लक्षण बता रखा है, युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क का नाम क्या है, अनुमान है। तो अपने को जो है इनकी डेफिनेशन जो है वही वाली सूत्र स्थान वाली याद रखनी कि आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान इनका जो लक्षण पूछा जाए या इनकी परिभाषा पूछी जाए तो सूत्र स्थान में जो आई है वही याद रखनी है। तो यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर नहीं दे रखा है इसका, तो ये लाइन देखना, न ही ज्ञानम ज्ञान अवयवेन कृत सेने गेये ज्ञानम उत्पद्यते। मतलब कि परीक्षा करने की बताई हुई इन 3 विधियों में से यदि किसी एक से परीक्षा की जाए और विषय तीनों परीक्षा से जानने योग्य हो तो एक से उचित ज्ञान नहीं होता है। ये कह रहा है कि परीक्षा मतलब रोग की परीक्षा करने की 3 विधियां बताई गई है ना। ये कह रहा है कि अगर जो कोई रोग है वो 3 परीक्षाओं से जानने योग्य है, मतलब कि एक परीक्षा से उसको जाना ही नहीं जा सकता, 3 परीक्षाओं से जानने योग्य है, लेकिन अपन उस रोग को क्या करते हैं, एक ही विषय से परीक्षा करते हैं, तो उससे क्या होगा कि अपने को उस रोग का उचित रूप से ज्ञान नहीं होता है। तो ये जो है पीजी में जो है ये लाइन जो है कोटेशन उठाकर क्वेश्चन में दे देते हैं और इसका रेफरेंस पूछते हैं कि कौन से चैप्टर में आया है, मतलब किससे रिलेटेड है ना। तो ये रोग विशेष विज्ञान मतलब रोग की परीक्षा से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं चिकित्सा के साधन। तो यहां मैंने ऊपर लिख रखा है चिकित्सा के साधन कौन से होते हैं, चिकित्सा के या रोग विशेष ज्ञान के उपाय। तो ये एक ही बात है, चिकित्सा के साधन बोल दो या रोग विशेष ज्ञान के उपाय बोल दो, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ये 3 प्रमाण यहाँ पे दे रखे हैं चिकित्सा के साधन। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 5 में प्रमाण 2 या 3। तो प्रमाण जो है कितने होते हैं ये बता रखा है। तो इसमें देखना 3 परीक्षाओं में सबसे पहले आप्तोपदेश से ज्ञान होता है। मतलब सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, शास्त्र ही पढ़ते हैं ना, शास्त्र के बाद ही अपने को ज्ञान होता है। तो सबसे पहला प्रमाण कौन हो गया, आप्तोपदेश। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रत्यक्ष, और फिर क्या होता है, अनुमान। तो ये क्रम भी याद रखना है इसको, सबसे पहले आप्तोपदेश, फिर प्रत्यक्ष और फिर अनुमान। मतलब सबसे पहले आप्तोपदेश के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर अपन प्रत्यक्ष देखते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं। तो ये कह रहे हैं यदि पहले किसी का उपदेश नहीं लिया जाए तो किसकी प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा परीक्षा की जाएगी। मतलब अपने को पहले से ज्ञान ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो अपन प्रत्यक्ष और अनुमान किस में लगाएंगे है ना। तो यही बात बता रहा है कि अगर किसी का उपदेश नहीं किया गया, मतलब आप तो उपदेश से ज्ञान नहीं लिया गया हो, तो अपन प्रत्यक्ष और अनुमान किस
किसके लिए करेंगे, मतलब किसकी परीक्षा करने के लिए करेंगे। इसलिए ज्ञान संपन्न वैद्य के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रकार की परीक्षाएं हैं और आप तो उपदेश को लेकर तीन परीक्षाएं हैं। तो इसलिए बता रहा है कि प्रमाण दो या तीन होते हैं, इसके बारे में बता रहा है कि अगर कोई आप तो उपदेश नहीं है, मतलब ज्ञान संपन्न नहीं है, ज्ञानी नहीं है, है ना, तो उस वैद्य के लिए तो क्या होता है, दो प्रमाण होते हैं, कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान। और अगर कोई ज्ञानी नहीं है, मतलब ज्ञान संपन्न नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए जो है प्रमाण तीन होते हैं, कौन कौन से, आपतोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षाएं बता रखी हैं। तो प्रत्यक्ष के द्वारा किसकी परीक्षा करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष किसके द्वारा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा, तो उसमें बता रखा है कि प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा, मतलब प्रत्यक्ष के द्वारा अपन किस किस की परीक्षा कर सकते हैं। तो इसमें देखना, यहाँ पे कोटेशन में पहले इनके अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है, अन्यत्र रस ज्ञानात्, ठीक है, एक तो अन्यत्र रस ज्ञानात् को अंडरलाइन कर लेना, इसके अलावा तस्माद आतुर प्री प्रश्नेन वातुर्मुख रसम विद्यात्, इसको अंडरलाइन कर लेना, है ना। तो अब इसमें देखते हैं आगे, अब नीचे हिंदी में देखते हैं कोटेशन नंबर 7 की में। तो प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा, तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष के द्वारा रोग की परीक्षा करने की इच्छा वाले को तो सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले सभी इंद्रियार्थों की परीक्षा करनी चाहिए। ये कह रहा है प्रत्यक्ष परीक्षा किसके द्वारा करनी चाहिए थी, करनी चाहिए, इंद्रियों के द्वारा करनी चाहिए, लेकिन रस ज्ञान को छोड़कर, मतलब उसको जो है किसी अगले वाले जो रोगी है उसको रस कैसा लग रहा है, मतलब मुख का रस कैसा हो रखा है, यह अपन ये थोड़ी है कि उसको जो है रस का ज्ञान करेंगे, है ना, जीव के द्वारा थोड़ी रस का ज्ञान करेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि रस ज्ञान को छोड़कर बाकी जितने भी जो चार इंद्रियां हैं उनकी परीक्षा जो है अपने को करनी चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा आती है। अब श्रोत्र द्वारा परीक्षा विषय, तो इसमें 500 इंद्रियों के कौन कौन से परीक्षा विषय हैं वो बता देंगे। तो इसमें देखना श्रोत्र द्वारा परीक्षा विषय, मतलब कि श्रोत्र के द्वारा अपन किन किन चीज़ों का पता लगाते हैं। तो आंतों का बोलना, मतलब श्रोत्र क्या होता है, सुनाई देना है ना, शब्द, शब्द होता है ना इसका श्रोत्र का, और विषय, श्रोत्र का विषय क्या होता है, शब्द। तो जितने भी अपन को शब्द सुनाई देते हैं वो इसके क्या हो गए, विषय हो गए। आंतों का बोलना, तो आंते बोल रहे हैं, संधि और अंगुली पर्वों का फूटना, है ना, तो संधि है या फिर अंगुली पर्व है वो फूटने की आवाज़ आ रही है उनमें। स्वर भेद, मतलब अपन कोई बोल रहे हैं स्वर भेद हो रखा है ना, तो ये क्या होते हैं, ये श्रोत्र द्वारा परीक्षा विषय। तो ये एग्जाम्पल याद रखने, श्रोत्र द्वारा परीक्षा विषय आंतों का बोलना, संधि और अंगुली पर्वों का फूटना और स्वर भेद। फिर चक्षु द्वारा परीक्षा विषय कौन से हैं वो देखते हैं। तो चक्षु, चक्षु क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। तो वर्ण क्या देखेंगे, वर्ण देखेंगे, अगले का कलर देखेंगे रोगी का, उसका आकार देखेंगे, है ना, कि कौन सा ऑर्गन जो है, या फिर बाहर से जो है आंखें कैसी है, आकार, तो आकार देखना है। प्रमाण, प्रमाण देखना उसका कि कितने प्रमाण में है। फिर छाया देखेंगे उसकी, तो इनकी शरीर में स्वाभाविक अवस्था है विकृत। तो ये जो है इस प्रकार से ये क्या है, चक्षु द्वारा परीक्षा विषय। तो चक्षु द्वारा परीक्षा विषय कौन से हो गए, वर्ण, आकार, प्रमाण और छाया। अब नेक्स्ट देखते हैं रसना द्वारा परीक्षा विषय। तो रसना द्वारा परीक्षा विषय जो है अपन अनुमान के द्वारा करते हैं ना, रसना मतलब जीवा की जो रसनेन्द्रिय है उसकी परीक्षा जो है किसके द्वारा करते हैं, अनुमान के द्वारा। अब इसमें देखना, रोगी के शरीर में उत्पन्न जीवा इंद्रिय के विषय रस का ज्ञान अनुमान से समझे, क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो अपन थोड़ी जान सकते हैं कि रोगी को जो है कैसा रस, उसके मुख का रस कैसा हो रखा है। तो इसलिए रोगी से क्या है, पूछकर यह जाना चाहिए कि रोगी के मुख का स्वाद कैसा है। तो अपन अनुमान के द्वारा क्या करते हैं, रस की परीक्षा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, रोगी के खुद से पूछते हैं कि तुम्हारे मुख का स्वाद कैसा है। फिर ये कह रहे हैं जुए, लीक आदि जंतु शरीर से अलग हो जाएं तो शरीर का रस विकृत हो गया है। ये कह रहा है कि जू है या फिर लीक है, ठीक है, उसके शरीर पे है, लेकिन ये शरीर से अलग हो रहे हैं अपने आप ही, तो इनको देखकर क्या समझना चाहिए कि शरीर का रस जो है वो विकृत हो गया है। फिर मक्खियों के शरीर पर अधिक बैठने से शरीर का रस कैसा हो गया, मीठा हो गया, इस प्रकार से जाना चाहिए। तो मक्खियाँ किसकी तरफ, मीठे की तरफ आकर्षित होती हैं। तो अगर मक्खियाँ शरीर पर अधिक बैठ रही हैं तो शरीर का रस मीठा हो गया, इस प्रकार जानना चाहिए। फिर रक्तपित्त के संदेह होने पर, तो यह क्या, यह रक्त शुद्ध रक्त है या फिर रक्तपित्त का रक्त है, इस पर उसे अन्न में मिलाकर कुत्ते या कोड़े को खाने के लिए दें, यदि खा जाए तो शुद्ध रक्त है और न खाए तो रक्तपित्त है, ऐसा अनुमान जानना चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर रक्तपित्त का संदेह है ना, इसको रक्तपित्त है या नहीं, तो ये कह रहा है कि जो शुद्ध रक्त है
या फिर ये जो उससे निकलने वाला रक्त है वो रक्तपित्त वाला रक्त है। तो ये जानने के लिए क्या करते हैं कि अन्न में जो है ना ये रक्त मिला देते हैं और उसको कुत्ते या कोए को खाने के लिए देते हैं। यदि कुत्ता या फिर कोआ उसको खा जाता है अन्न को, तो अपने को शुद्ध रक्त समझना चाहिए। अगर ये वो अन्न को नहीं खाता है तो वो रक्तपित्त कैसा है, वो रक्त कैसा है, रक्तपित्त वाला रक्त है। तो इस प्रकार ये अनुमान लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रसना द्वारा परीक्षा विषय बता दिए जो कि अनुमान द्वारा लगाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं घ्राण द्वारा परीक्षा विषय। तो घ्राण मतलब सूंघना, तो मतलब इसके द्वारा क्या करते हैं, विकृत गंध का पता लगाते हैं। तो विकृत गंधों की जो परीक्षा किसके द्वारा, घ्राण द्वारा होती है। फिर स्पर्श द्वारा, स्पर्श से क्या लगाया जाता है कि ये उष्ण है, शीत है ना, कठोर है या स्निग्ध है, तो इस प्रकार के पता लगाते हैं। तो प्रकृति विकृति से युक्त स्पर्श की परीक्षा हाथ से करनी चाहिए। इस प्रकार अनुमान और आब्दोदेश के द्वारा परीक्षा की गई है। मतलब कि स्वभाव है या फिर विकृत स्पर्श है, तो मतलब स्वाभाविक स्पर्श है या विकृत स्पर्श है, तो विकृत इसमें स्पर्श में ये भी लिख सकते हैं स्पर्श द्वारा परीक्षा विषय में कि जो है व्यक्ति रोगी का शरीर जो है स्निग्ध है, उष्ण है, शीत है, रुक्ष है, कठिन है, तो ये क्या किसके हो गए, स्पर्श द्वारा परीक्षा विषय हो गए। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष के द्वारा कौन सी परीक्षा करते हैं वह यहाँ पे अपन ने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुमान द्वारा परीक्षा, कि अपन जो है अनुमान के द्वारा किन किन की परीक्षा करते हैं। तो पहले जो है कोटेशन नंबर 8 में इंपॉर्टेंट के ऊपर निशान लगा लेते हैं, गूढ़ लिंगम व्याधिम उपशय अनुपशय अभ्याम। मतलब कि गूढ़ लिंग होते हैं ना जिनके लक्षण छुपे होते हैं, गूढ़ होते हैं, उस व्याधि की जो है अपन उपशय और अनुपशय के द्वारा पता लगाते हैं। तो एक बार पहले भी आया था ना निदान स्थान में कि पहले वाले लोग क्या करते थे कि उसको मलेरिया वाला फीवर है, मतलब उसको जबर कौन सा है, मलेरिया है, डेंगू है, तो इस प्रकार का पता लगाने के लिए क्या करते थे कि व्यक्ति को है ना कुनैन की गोलियां खाने के लिए देते थे। अगर वो ठीक हो जाता था तो ये पता लग जाता था कि उसके मलेरिया है, और अगर ठीक नहीं होता था तो उसको फिर बाद में दूसरे क्या करते थे, औसत देते थे, है ना। तो गुड लिंग, तो इसमें क्या करते हैं गुड लिंग लक्षण छिपे होते हैं, तो उन व्याधियों की चिकित्सा किसके द्वारा, उपशय और अनुपशय के द्वारा अनुमान लगाते हैं। फिर गरण्यास्तु मृदु दारुणत्वम स्वपन दर्शनम अभिप्रायम द्विष्ट एष्ट सुख दुखानी, फिर चातुर अप्रिपर्शनेव विद्यातिथि, है ना। तो ये बता रखा है। आप जो है इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अनुमान द्वारा परीक्षा किसकी, किस किस के अनुमान द्वारा परीक्षा लगाते हैं। तो इसके जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखने कि अनुमान के द्वारा किस किस की परीक्षा करते हैं। पाचन शक्ति से अग्नि की, है ना। तो ये वैसे तो अपने को 5-7 तो कम से कम याद ही करने हैं, और पीजी का जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो है इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि पाचन से किसकी, पाचन शक्ति से किसका अनुमान लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर अग्नि का अनुमान जो है किसके द्वारा लगाते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है पूछ लिया जाता है। तो पाचन शक्ति से किसका अनुमान लगाते हैं, अग्नि का, है ना। फिर व्यायाम करने की शक्ति से बल का, व्यायाम करने की शक्ति अधिक है तो मतलब कि इसमें बल भी अधिक है, तो इस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। तो व्यायाम करने की शक्ति से बल की, शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से करण आदि इंद्रियों की, मतलब शब्द आदि ग्रहण विषयों को अगर समुचित रूप से ग्रहण कर रही है तो मतलब इंद्रियां ठीक ठाक हैं, तो इस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। मन के अर्थ चिंते विचय आर्य आदि के ठीक ठीक ग्रहण करने से मन की, व्यवसाय से विज्ञान की, आसक्ति से रजोगुण की, अज्ञान से मोह की, ठीक है, द्रोह करने से क्रोध की, दीनता से शोक की, आमोद प्रमोद से हर्ष की, संतोष से प्रीति की, विषाद से भय की, अविषाद से धीरता की। फिर आगे उत्साह से वीर्य की, भ्रम न होने से मन की स्थिरता की, किसी वस्तु की इच्छा से श्रद्धा की, विषय ग्रहण से मेधा की, फिर नाम ग्रहण से संज्ञा की, स्मरण शक्ति से स्मृति की, लज्जा करने से लज्जा की, लगातार अभ्यास करने से स्वभाव की, मना से द्वेष की, परिणाम से कपट की, लालच न करने से धरती की, आज्ञा मानने से वश्यता की, वह प्रेम साथ में रोग, रोग के कारण इनकी परीक्षा जो है काल देश उपशय लक्षण वेदना के द्वारा की जाती है। तो मतलब कि अभी ये वाली लाइन को छोड़ दो यहाँ से, ठीक है, ये वाली लाइन को छोड़नी है, तो यहाँ तक क्या अपने को देखना है कि इन इनके द्वारा क्या करते हैं, इन इनकी शक्तियों का पता लगाते हैं। कि व्यवसाय से जो है विज्ञान की
शक्ति का पता लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि अगर व्यवसाय बढ़िया चल रहा है मतलब इसको ज्ञान अच्छा है ना, आसक्ति से रजोगुण की है ना। तो इस प्रकार से ये किसके द्वारा किसका अनुमान लगाते हैं ये अपने को याद करने, ठीक है। फिर इसके अलावा अब इसमें अपन नीचे देखते हैं, ये कह रहा है जिन व्याधियों के लक्षण गुप्त है मतलब छिपा हुआ है उनकी परीक्षा किसके द्वारा करते हैं, उपचय और अनुपचय के द्वारा की जाती है। फिर ग्रहणी की मृदुता या कठिनता, स्वप्न का देखना, किसी विषय में इच्छा रखना, किसी विषयों में द्वेष करना तथा सुख और दुखों को तो रोगी से प्रसन्न कर जाना चाहिए। तो मतलब ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले जो अपन ने अनुमान के द्वारा देखे थे, अब रोगी से प्रसन्न करके कौन सी चीजें जानना चाहिए वो बता रहा है। तो अगर ये पूछे कि रोगी से प्रसन्न करके कौन सी चीजें जाननी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में, तो उसमें लिख देना कि ग्रहणी की मृदुता कठिनता, स्वप्न देखना कि स्वप्न कैसा देख रहा है, किसी विषय में इच्छा रखना कि कौन से विषयों में वो इच्छा रख रहा है, कौन से विषय में द्वेष कर रहा है, सुख और दुख मतलब कौन सी चीज़ों से उसको सुख हो रहा है, कौन सी वस्तुओं से दुख हो रहा है। तो इस प्रकार के अगर भाव जानने हैं तो ये रोगी से प्रसन्न करके जानने चाहिए। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है अपना चैप्टर खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।